हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीजेक इन्फॉर्मेशन में आपका गाइस एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस आज जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो है एक मूवी का रिव्यू। मूवी यानी कि कल की 1898 AD जो कि नाग अश्विन द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है। और इस वीडियो में हम आपको इसी मूवी के रिव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इसको आज कुछ साथियों के साथ अपने देख करके आए हैं। वो साथियों की जर्नी भी हम आपको दिखाएंगे और उन साथियों का रिव्यू भी आपको दिखाएंगे, कैसे उनको लगी और कैसे मुझको लगी। हालांकि मैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक, और बने रहने के साथ साथ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कल की 1898 AD जो कि नाग अश्विन द्वारा डायरेक्ट की गई एक बेहतरीन सिनेमा मूवी है। ऐसी मूवी अभी तक हमने हॉलीवुड में देखी है। फुल एक्शन पैक मूवी है जो कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है देखने के लिए। कहीं कहीं पे फिल्म थोड़ी लंबी खिंच जाती है लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ही जबरदस्त आपको मजा आएगा। फाइट सीन, VFX और जो इसमें एक्शन पैकेज और तरह तरह की गाड़ियां, तरह तरह के एक्शन पैकेज आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मजा आएगा। तो गाइस फिल्म शुरू होती है सबसे पहले महाभारत के सीन से। कृष्ण जी, अश्वत्थामा और जहां पे महाभारत का एंड होता है वहीं से यह फिल्म शुरू हो रही है। तो गाइस इसके अंदर आपको मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। सबसे एक नंबर पे है अमिताभ बच्चन, सेकंड पे है प्रभास, थर्ड पे है दीपिका पादुकोण, फोर्थ पे है कमल हसन, फिफ्थ पे है कॉमेडी एक्टर साउथ ब्रह्मानंदम। इसके अलावा छोटे छोटे मल्टी स्टार कास्ट बहुत सारे इसके अंदर है। कहीं पे राजमौली भी है, कहीं पे रामगोपाल वर्मा भी है। तो छोटे छोटे सीन आपको इस मूवीज में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अमिताभ बच्चन जो कि इसमें फिल्म में रोल निभा रहे हैं अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा को शायद आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिनको श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी और श्राप के साथ एक वचन भी दिया था, वही इस मूवी में दिखाया गया। वहीं से मूवी का स्टार्ट होती है। जब कलयुग का अंत होगा उस टाइम पे कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो अवतार कैसे होगा और उसको बचाने के लिए, उसको मारने के लिए क्या किया जा रहा है, इस फिल्म के अंदर यही सब दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग है। बाकी अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा जच रहे हैं और क्या एक्टिंग की है, क्या फाइट की है, मजा आ जाएगा वो सबको देख करके। एकदम जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त एक्शन पैक मूवी है। तो गाइस सेकंड आपको प्रभास की एक्टिंग। प्रभास तो सभी लोग जानते हैं, साउथ का बहुत बड़ा एक्टर है, बाहुबली द फिल्म से फेमस हुए हमारे प्रभास को, इंडियन सिनेमा जगत में सभी लोग जानते हैं। तो गाइस प्रभास ने भी अच्छी की है, एक्टिंग की है। उनके साथ एक उनकी गाड़ी है रॉक्सी, यानी कि दिशा पटानी ने उनको आवाज दी है और वो है बेहतरीन, कॉमेडी भी करते नजर आ रहे हैं जगह, एक्शन भी उनका बेहतरीन है। तो आपको मजा आ जाएगा, एक नई दुनिया आपको देखने को मिलेगी। थर्ड है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने एक छोटा सा रोल किया है, छोटा सा बोल लो या फिर बड़ा भी बोल लो, क्योंकि जो कल्कि भगवान के अवतार है उन्हीं की कोख से जन्म लेने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए हाफ फेस के बाद यह फिल्म वहीं भागती है दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए। तो गाइस आपको फोर्थ रोल मिलेगा कमल हसन यानी कि सुप्रीम, इस फिल्म के नेगेटिव करेक्टर जो कि विलेन का रोल कर रहे हैं। उनके सिर्फ दो ही सीन है और दोनों सीन में, पहले सीन में आपको एक खतरनाक तरीके से जो पेश किया जाएगा, आपका देख करके दिमाग हिल जाएगा ये क्या बड़ा चीज है, और सेकंड सीन में एंड हो जाएगा और एंड में आपको देखोगे ये कमल हसन एक नए अवतार ले चुके हैं और जो सेकंड पार्ट में धमाल मचाने वाले हैं। तो गाइज ये थी हमारी फोर करेक्टर जो इस फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं के इर्द गिर्द चारों तरफ कहानियां गूंजती है। कुछ छोटे छोटे किरदार भी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ब्रह्मानंदम थोड़ी सी कॉमेडी करते नजर आएंगे जो कि उनके मकान मालिक बने हैं प्रभास के। कहीं पर राजमौली का सीन है, कहीं पर रामगोपाल वर्मा का सीन है, कहीं पर विलन का सीन है। तो छोटे छोटे बहुत सारे करेक्टर है इस मूवी के अंदर। 3 घंटे की यह मूवी है जो कि आपको सिनेमा के अंदर आप देखने जाओगे तो लगभग 3.5 घंटे की आपको पड़ने वाली है। तो इसलिए कहीं कहीं पर यह फिल्म लंबी भी पड़ जाती है क्योंकि कुछ सीन ऐसा लगता है हमको थोड़े एक्स्ट्रा खींच दिए गए हैं और कहीं कहीं पे आपको ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो इस फिल्म को मैं कहूंगा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है, सिनेमा भी बहुत जबरदस्त है और कहानी ठीक है, पर कहानी तो आप जानते ही है कहानी किस आधार पर बनाई गई है, ठीक है, एवरेज है कहानी, मैं इतने नहीं बोलूंगा कि कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। कहानी जो स्टोरी लाइन है वो ठीक है पर इतनी जबरदस्त भी नहीं है। अब आपको सेकंड इसका जो पार्ट आएगा उसमें बाकी पता लगेगा आगे क्या होना है। तो अगर लेकिन आप जो है इसको एक बार जरूर देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखते हैं आगे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ गए थे उनके रिव्यू कैसे होते हैं। चलिए धन्यवाद। आप उधर चलने से पहले मैं आप मेरे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।